ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮੇਚਰ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਐਸਐਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮੇਚਰ ਕਬੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਅਮੇਚਰ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਚ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਲਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਬੂਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਪਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਟੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਾਜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਅਮਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਮਕਬੂਲ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਆਏ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਜੰਮੂ ਸੇ ਚਲ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ
SI बन चुके हैं, ASI बन चुके हैं और कुछ बच्चे कांस्टेबल बन चुके हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, पूरे ऑल इंडिया में नेशनल खेले हैं और जो सारा जो जो श्रेय जाता है वो हमारे बड़े भाई कुलदीप गुप्ता जी को जाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करवाई है बच्चों को, इतनी मेहनत करवाई है कि ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी गेमें होती हैं वहाँ ये पूरा ध्यान और पूरी फोकस देते हैं ताकि हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और इस तरफ गेम्स में लगे रहें ताकि बच्चे सर्विस भी करें, रोज़गार भी लें और उनकी सेहत भी जो है वो अच्छी रहे। क्योंकि आपको पता है कि नशा इतना चल रहा है कि चिट्टे का कारोबार, आपको पता है कि हर तीसरा घर इस पेड़ में आ रहा है और उसको नशे को ख़त्म करने के लिए ये जो मुहिम, ये जो स्कीम हमारे भाई कुलदीप जी की तरफ से चल रही है, मैं कहता हूँ कि तहे दिल से शुक्रिया कि उन माता पिताओं को मैं कहता हूँ कि इनका धन्यवाद करना चाहिए कि अगर आज बच्चे उनके जहाँ नाइट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, डे खेल रहे हैं और इनकी बदौलत खेल रहे हैं, मैं दोबारा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी गर्मी में जम्मू से चल के आए हैं और इस गांव में हमारे में जो टूर्नामेंट स्टार्ट की है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। क्या मैसेज रहेगा? मैं युवाओं को एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और गेम्स की तरफ ध्यान दें। अगर पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे और गेम्स खेलोगे तो आपका ध्यान और फोकस खेलने की तरफ रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहोगे और नशे से दूर रहोगे। क्योंकि अगर नशे को ख़त्म करना है तो गेम्स करवाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। और भी अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे प्रोग्राम कराए जाने चाहिए ताकि बच्चे जो है नशे से दूर रहें। किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी मकबूल जी, उनका मैं दिल से एक दिल से प्यार से कह सकता हूँ मैं कि उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक गांव में जाके, एक रूरल एरिया में जाके इस रूरल एरिया खेल को पहुँचाया। अगर मैं सरपंच साहब केजी का नाम ना लूँ तो ये बड़ी अधूरी बात है कि जो सहयोग इनका कबड्डी की तरफ रहा, जो इनका प्यार कबड्डी में है वो सराहनीय है। जो कुछ इन्होंने कहा ये इनका प्यार है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी इनकी तरह हूँ, एक आम आदमी की तरह हूँ, कबड्डी से प्यार करता हूँ इसलिए कबड्डी से जुड़ा हूँ। मेरे साथ आए हुए मेरे फार्मर सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन जी, उनके साथ हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट SS गिल जी और चेयरमैन हमारे एंटी डोपिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप सिंह जी और यहाँ के ऑफिस बीरर कठुआ डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस कबड्डी के लिए अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिखाया और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया ताकि ये रूरल एरिया में इस खेल को खेलें, लोगों को इस खेल के बारे में नॉलेज हो, बच्चे इस खेल में आए। आज जो आप सोच रहे हैं, मैं आपको छोटा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने एक ऐसा 12 निकाला है, अगर कोई खिलाड़ी रांझी खेलता है तो उसके अगर 5 नंबर हैं तो हमारा खिलाड़ी नेशनल खेल के आता है उसके भी 5 नंबर हैं। तो इसलिए आज कबड्डी खेल पीछे नहीं है। कबड्डी के बारे में आप थोड़ा सा अगर YouTube में जाएं, अगर आप Google में जाएं तो सबसे ज़्यादा TRP अगर किसी खेल में है वो क्रिकेट की है और उसके बाद दूसरे नंबर में अगर किसी की गेम की TRP है तो वो कबड्डी गेम की है। तो इसलिए मैं कबड्डी को ये सोचे चलता हूँ आने वाले 5 साल में आप ये देखेंगे कबड्डी की TRP क्रिकेट की TRP को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। और आपको मालूम होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2036 में ओलंपिक गेम्स के लिए अपना प्रपोजल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भेजा है जो 2036 में हमारे हिंदुस्तान में होंगी, उसमें कबड्डी को ऐड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और हमें उम्मीद है
कि हमारे बच्चे उस ओलंपिक में भी खेल पाएंगे और अपने देश का नाम जो रोशन वैसे रखेंगे जो एशियन गेम में आज तक बना के रखा है, वैसे ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके इस भारत देश का नाम रोशन करेंगे। और इन सब के आप सबका भी बड़ा धन्यवाद कि आप अपनी इतनी गर्मी के मौसम के बावजूद भी आप अपना टाइम निकाला है और इस खेल को एक कोने कोने तक पहुँचाने में आपका सहयोग रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया तीसरा पिलर है इस देश का, जिसकी वजह से लोगों तक ये बातें पहुँच पाती हैं, हमारी अच्छाइयाँ भी हमारी त्रुटियाँ भी वहाँ पहुँचा पाते हैं। इस सारे सहयोग का जो इवेंट हो रहा है, यहाँ कबड्डी कप हो रहा है, इस सारे का सहयोग मैं यहाँ के सरपंच के जी को और यहाँ के सेक्रेटरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के यकूब जी को मैं देता हूँ और उनकी टीम को देता हूँ, जिन्होंने मिल के इस खेल को यहाँ तक पहुँचाने में, गाँव तक लाने में किया है। और एक बात और,